हाँ ला रहा हूँ, सुनो सुनो। दादाजी वॉक पे जा रहे दादाजी। अच्छा जा, जरूर जा, और समाज में हमारा नाम खराब करो कि जा काम वाली तेरी पत्नी है। भैया इतनी कृपा करना कि एक दूसरे से दूर रहना, ताकि काई को जे ना पता चले कि जा तेरी पत्नी है। दादी कोई चीज कुछ छुपाने की जरूरत ना है, पूछे तो पूरा नाम लेना। का बोलोगी? अरे पूरा नाम लो, पति को नाम लगा के बोलो का बोलोगे। अब चले? हाँ जा जा बेटा, चलो जी जा बेटा जा। एक मिनट। अरे बस बस, सर पे जाते समय कोई आशीर्वाद लेता है? हमारा मतलब घर से जब भी बाहर निकलते हैं अगर बड़ों का आशीर्वाद लो तो सब काम अच्छे से हो जाता है ना। और वैसे भी आशीर्वाद लेने का कोई समय थोड़ी ना होता, तो आप जितनी मर्जी चाहे जब चाहे ले सकते हो। अरे रखो, खुश रहे बेटा, खुश रहे। जा चल। हाँ, इसलिए कि हमें ये तो पता चल चुका है कि ये इसके राघव की पत्नी है, बट हमने एक्सेप्ट तो नहीं किया है, डेफिनेटली मन से तो एक्सेप्ट किया नहीं है, लेकिन अब ये मजबूरी है क्योंकि दादाजी बहुत फेवर में हैं। और अभी जो इससे पहले हमने दिखा है कि मिश्री जो है पुलिस स्टेशन में आकर के राघव किस तरह उसने बचाया है, बहुत बहादुरी से उसने बचाया है, तो हम सब भी उसके लिए तो मतलब उसके कहना चाहिए ओब्लाइज तो हैं ही उसके लिए, बट मन से ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी जो हम सीन कर रहे हैं कि वो बोलती है कि सैर पे जा रहे हैं, बट हमें नहीं पता एग्जैक्टली कहाँ जा रहे हैं। तो दादाजी बोलते हैं कि पूरा नाम, अपना पूरा नाम बताओ वहाँ पर। कोई चीज कुछ छुपाने की जरूरत ना है, पूछे तो पूरा नाम लेना। का बोलोगी? अरे पूरा नाम लो, पति को नाम लगा के बोलो का बोलोगे। सैर पे जा रही हो करके, तो मैंने तो उसको एक्सेप्ट किया नहीं मन से, कहने है मजबूरी में मैं आशीर्वाद नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन दादाजी क्योंकि बहुत फेवर में और ज़बरदस्ती आशीर्वाद दिलवा रहे हैं, तो देखते हैं अभी। वैसे तो बता देखते हैं, अगर बड़ों का आशीर्वाद लो तो सब काम अच्छे से हो जाता है ना। और वैसे भी आशीर्वाद लेने का कोई समय थोड़ी ना होता, तो आप जितनी मर्जी चाहे जब चाहे ले सकते हो। अरे रखो,